और चाइना ने कहा कि तुम लोग तैयार करो, मेरे पास बना हुआ है, मैं उसको लगाए दे रहा हूँ। तो इन्होंने कहा कि मैं उसको लगाए दे रहा हूँ, तो उसने कहा ठीक है लगा दो भाई। तो इसने क्या किया, अपना लेजर वेपन लगा दिया, किसमें, इक्विस एल्फेबियस एसाल्ट से, एम्फेबियस एसाल्ट शिप में इन्होंने कहा लगा दिया धाएं वाली लेजर। अब ये लेजर इन्होंने यहां पे लगा दिया, आप पढ़ते हैं। चाइना हैज रिसेंटली एडेड लेजर वेपन टू वन ऑफ इट्स टाइप ऑफ 071 एम्फेबियस एसाल्ट शिप। दिस मूव एज अ पार्ट ऑफ ब्रॉडर ग्लोबल ट्रेंड वेयर मेनी कंट्रीज इंक्लूडिंग यूएसए आर इंटीग्रेटिंग एडवांस लेजर वेपन इनटू देयर नेवल फोर्स। यूएसए ने लगा दिया, रशिया ने लगा दिया, तो चाइना ने कहा हम काहे पीछे रहे, हमारा तो सब कुछ मेड इन चाइना है। द शिप शोज द लेटर सिस्टम दैट सीम्स द न्यूली इंस्टॉल्ड इन द चाइनीज नेवी, है ना। वेसल्स व्हेन नॉट इन यूज द वेपन इज कवर्ड बाय अ डोम लाइक टू प्रोटेक्ट एंड कीप हिडन अंटिल नीडेड। अब इसको लगाने के बाद क्या किया है, हमने इसके ऊपर एक डोम बना दिया है और उससे उसको गुम्मत से छुपा दिया है। चाइना इज फोकसिंग मेकिंग श्योर वेपन इज ऑलवेज रेडी फॉर एक्शन, और इसको छुपा के रखें और जब जरूरत पड़े तब इससे नए नए लेजर दाग दें। चाइना हैज मोस्टली यूज लेजर वेपन ऑन द लैंड इन द पास्ट। चाइना ने मैक्सिमम लेजर वेपन पास्ट में जमीन पे प्रयोग में लाए। फॉर एग्जाम्पल दे हैव यूज्ड लेजर टू टारगेट ड्रोन्स स्पेशली ड्यूरिंग कॉन्फ्लिक्ट प्लेस लाइक रेड सी। रेड सी में जब कॉन्फ्लिक्ट होती है तो ये ड्रोन्स को उड़ाने के लिए लेजर लाइट का प्रयोग करते थे। दिस एक्सपीरियंस हैव पुश्ड चाइना टू स्टार्ट पुटिंग लेजर वेपन ऑन देयर शिप्स। इसने कहा कि अब शिप पे भी लगाते थे। चाइनीज है, मान लो लेजर लाइट ऐसे लग गई, ठीक है, मतलब मजाक नहीं है, सही है। मान लो ऐसे लेजर लाइट फोकस पे और यहाँ पे एक कीला लगा है उससे बंधी ऐसे है, अचानक से नीचे गिर जाए और लेजर जलने लगे, तब का हो, यू नहीं सोचे तो शिप पे का होगा। आपने वो देखी है, एक पिक्चर आई थी स्पाइडरमैन कमिंग होम, उसमें वो शिप ही बीच से कट जाता है यार, नहीं देख, वो क्रूज बीच से फट जाता है, फिर वो उसे जोड़ता है, फिर आयरन मैन आते हैं, फिर उसको जोड़ते हैं कि मैं जोड़ूंगा तुम बाबू हटो, नहीं देखे तो कुछ नहीं देखते। अच्छे पिक्चर देखा करो, बच्चों वाली काम करते हो, देखा दो। हाउ द लेजर माइट बी यूज एट सी, टाइप 071 शिप यूज टू टेस्ट द न्यू लेजर वेपन। चाइना माइट एड सिमिलर वेपन इन द मोर शिप इन द नेवी। दिस टेस्टिंग अप्रोच इज सिमिलर टू व्हाट यूएस नेवी हैज डन। यूएस नेवी को कॉपी कैट करते हैं। चाइना आपको चाहते हो नकलची बंदर पहले से रहा है, इसको चाइना बोलने से अच्छा बंदर बोल देश बोला जाए, ठीक है। द यूएस हैज टेस्टेड लेजर सिस्टम ऑन देयर शिप दैट कैन शूट डाउन स्मॉल ड्रोन्स। उन्होंने स्मॉल ड्रोन्स को शूट करके देखा। कंपेयरिंग चाइनाज लेदर विद लेजर विद यूएस टेक्नोलॉजी। यूएस नेवी का लेजर वेपन को आता है लेजर वेपन सिस्टम डेमोन्स्ट्रेटर LWSD MK2 मूड जीरो, ठीक है, मूड है जीरो। अब इसके बाद डेवलप्ड बाय द नॉर्थ्रॉप ग्रूमैन, और यहां पर सिस्टम इज डिजाइन टू प्रोटेक्ट शिप बाय शूटिंग डाउन द स्मॉल बोट्स एंड ड्रोन्स, है ना, एनिमी सेंसर्स जो है उन सबको खत्म करने के लिए। चाइनीज लेजर वेपन माइट हैव सिमिलर कैपेबिलिटीज, माइट है, अभी हमको पता नहीं, हमें लगता है कि जितना यूएस का हो उसी को कॉपी किए होंगे, नया तो कुछ कॉपी नहीं किए होंगे। हाउ चाइना माइट यूज देयर वेपन, चाइनीज नेवी हैज ऑलरेडी यूज लोअर पावर्ड लेजर डेजलर्स एंड कैन टेम्परेली ब्लाइंड एंड परमानेंटली डैमेज द आई ऑफ एयरक्राफ्ट क्यूज। अगर कोई हवाई जहाज जा रहा है और अगर वो लेजर चला दी तो या तो पार्टली या परमानेंटली आंखों को अंधा कर सकता है, तो प्लेन उतारे कैसे, प्लेन ऑटो पायलट भी तभी चलेगा ना जब आपको रनवे दिखेगा। तो मजेदार चीज है। अब यहाँ क्या यूएस एंड ऑस्ट्रेलियन एयरक्राफ्ट इन सब चीजों को डेजलर्स पहले यूज कर चुका है, चाइना भी इन चीजों को दिखा रहा है और इंडिया इसके लिए अभी लगा हुआ है, आपको बताया था DRDO वाला पूरा मिशन, तुम थे शायद, थे ना। इम्पैक्ट ऑफ लेजर वेपन इन नेवल वेलफेयर, लेजर डेजलर्स एट द सी कैन गिव सिग्निफिकेंट एडवांटेज इन द मिलिट्री सिचुएशंस। जब आप एयरक्राफ्ट क्रू को डैमेज दे सकते हो, आउटकम एंगेजमेंट कर सकते हो, भाई प्लेन आएंगे उनको अंधा करने के लिए आपके सबसे ज्यादा फायदा है। चाइना के साथ अगर मिलिट्री एडवांस करना है तो चाइना भी रशिया के साथ लड़ेगा इस चीज को लेकर। पीपल लिबरेशन आर्मी जो है ना, नेवी जो है, इसके बारे में कुछ जानने की जरूरत नहीं है, बस इतना जान लो ये नेवी 1949 में बनाई गई थी, और पीपुल्स लिबरेशन आर्मी नेवी जो चाइना की है वो वर्ल्ड में साइज और शिप में सबसे बड़ी है। नेवी में मॉडर्न सबमरीन्स है ना, न्यूक्लियर पावर्ड एनर्जी है ना, और ये जो नेवी है ये इक्विपमेंट और टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करती रहती है। इनका पहला एयरक्राफ्ट कैरियर जो था वो था लियाओनिंग, जो आज सर्विस में आया था 2012 में। फोकस करते हैं कि डिफेंडिंग चाइनाज कोस्ट है ना, ऑपरेटिंग फार फ्रॉम द होम, ये कहते हैं हम चाइना के कोस्ट को चलाएंगे बचाएंगे बट दूर से,
पूरे वर्ल्ड में फैले रहेंगे चाइना के लेके, और इसको बचा लेंगे। कितने गंदे लोग हैं बताओ।